हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भकलोल डॉग्स में। आज हम बात करेंगे जो अभी कंट्रोवर्सी चल रही है, हिंडनबर्ग ने जो अडानी ग्रुप पर जो एलिगेशन लगाए, आरोप लगाए हैं, उसके बारे में बात करेंगे और ये जानेंगे जानने की कोशिश करेंगे कि हिंडनबर्ग क्या है और क्या काम करता है। अडानी ग्रुप भारत की सबसे बड़ी संस्था है जो भारत के अर्थव्यवस्था को संभालने में बहुत बड़ा योगदान है इसका। भारत की अडानी ग्रुप की 7 लिस्टेड कंपनी है, जो गैस हो गया, ग्रीन एनर्जी हो गया, पावर एनर्जी हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, पाम ऑयल हो गया और ट्रांसमिशन हो गया। ऐसी कंपनी लिस्टेड है जो फैला हुआ बिजनेस है, मतलब इनका बहुत ज़्यादा, मतलब काफी फैला बिजनेस हुआ बिजनेस हर क्षेत्र में है। लगभग इनका व्यवसाय के तौर पे, बिजनेसमैन के तौर पे देखा जाता है, फैला है इनका बिजनेस, जो कि अभी 2022 में भारत की दो बड़ी बड़ी सीमेंट कंपनी को खरीद के ये भारत के सबसे बड़े सीमेंट प्रोड्यूसर के रूप में जाने जाते हैं। दो बड़ी कंपनी एसीसी और अंबुजा को खरीदा था इन्होंने 2022 में। अभी ये सीमेंट के सबसे बड़े प्रोड्यूसर के रूप में जाने जाते हैं। और जब आपका इतना बड़ा नाम होता है तो आप पे कहीं एलिगेशन भी लगते हैं इन पे। फिटेक ग्रुप का एक ऐसी रिसर्च संस्था है जो इनके ऊपर एक एलिगेशन आरोप लगाई थी कि ये डेप्थ फ्यूल कंपनी है जो कि कर्ज के आधार पर अपने आप को ज़्यादा दिखाने का कोशिश करती है। और एक ऐसी SNB ग्लोबल बोल के संस्था है, वो भी सेम एलिगेशन लगाई थी कि ये डेप्थ फ्यूल कंपनी है और अपने कर्जे के आधार पर अपने आप को ऊंचा आंकती है बोल के। लेकिन उन्होंने ये कहा था इनकी फंडामेंटल सही है और इनकी कार्य प्रणाली बहुत अच्छी है, इस बारे में कहा था। तो इसी को देखते हुए अडानी ग्रुप को टू बिग टू बी फेल के कहा जाता है। टू बिग टू बी फेल का मतलब होता है ऐसी भारत की ऐसी संस्था है जो अगर फेल होती है तो भारत के अर्थव्यवस्था और यहाँ के सिस्टम पे और सामान्य नागरिकों पर भी फर्क पड़ेगा। इसलिए गवर्नमेंट को इसमें स्टेप इन करना पड़ेगा अगर कुछ ऐसा आरोप सिद्ध होता है तो, इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा। लास्ट अभी देखते हैं, जैसे अडानी ग्रुप का लास्ट 2-3 वर्षों में अडानी ग्रुप के खूब खूब जल्दी राइज किया है, ऊंचा उठा है। इनको इसलिए बिग टू बी फेल के ग्रुप में रखा है, बना दिया गया है, बन गया है टू बिग टू बी फेल। अगर फेल होता है तो भारत की अर्थव्यवस्था सीधे तौर पर प्रभावित होगी। जैसे कि ये 13 पोर्ट के साथ भारत के सबसे बड़े पोर्ट ऑपरेटर हैं, ये सबसे बड़े कोल ट्रेडर और कोल माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर भी हैं, 8 एयरपोर्ट मैनेज करते हैं, इसलिए भारत के ये बिगेस्ट प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर भी हैं। दुनिया के लार्जेस्ट सोलार पावर डेवलपर इन्हीं की कंपनी है। भारत के प्राइवेट ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी भी इन्हीं की है। यह भारत के बिगेस्ट ऑडिबल ऑयल ब्रांड्स है। भारत की लार्जेस्ट सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस भी इन्हीं का है। यह भारत के लार्जेस्ट थर्मल पावर प्रोड्यूसर भी यही है, इन्हीं की कंपनियाँ हैं। इसके बावजूद ये जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी जो LIC है, LIC में जो 50 बिलियन भारतीय ने 500 बिलियन पैसा होल्ड करता है, जो अडानी के इसमें अडानी के ग्रुप में उनका 9.5 बिलियन डॉलर अडानी के ग्रुप में लगा हुआ है। अगर अडानी ग्रुप को लॉस होता है तो सीधे तौर पे आप LIC पर लॉस होगा, और जो LIC पे जो पैसा लगाए हैं आप और हम, भारत की सामान्य जनता, उन पर सीधा फर्क पड़ेगा। भारत के कई बैंकों से ये कर्ज भी लिए हैं, बहुत सारे बैंकों पे इनको कर्ज भी दिया जाता है, तो वो देखते हुए कई बैंक भी इनसे प्रभावित होंगे, भारत के कई बैंक भी प्रभावित होंगे। इसी कारण से इसको टू बिग टू बी फेल कहा गया है, ऐसी कंपनी जो फेल नहीं हो सकती। और हिंडनबर्ग ने अपने जो आरोप लगाया उसको 106 पन्ने की रिपोर्ट में, और उसमें 88 प्रश्न पूछे हैं और उसको पॉइंट टू पॉइंट उत्तर मांगा है अडानी ग्रुप से। और अडानी ग्रुप ने उसके जवाब में 29 जनवरी को 400
पन्ने का उनको रिपोर्ट भेजी है और उसको पॉइंट टू पॉइंट उत्तर दिया, अपने रिपोर्ट भेजी है जो अपना जवाब दिया है उसको पॉइंट टू पॉइंट उत्तर दिया है। इंडियन बर्ग का क्या एलिगेशन था उसके बारे में देखते हैं। इंडियन बर्ग कहती है कि उनकी 578 सब्सिडीज है जो कि एक सेल कंपनी से। ये कहते हैं कि इनका ऑनलाइन और ऑफलाइन रेस्पॉन्स एकदम मिनिमल है, मिनिमम है। और उनका ये भी दावा है कि ये हिंडनबर्ग कहता है कि ये कंपनी के इनसाइडर ट्रेडर को रोकने के लिए, इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए कंपनी किसी भी कंपनी के प्रमोटर के पास 75% से ज़्यादा नहीं होल्ड कर सकता, स्टॉक होल्ड कर सकता। कि अगर किसी कंपनी के आपको इनसाइडर इंफॉर्मेशन पता होगा तो आप उस कंपनी को, उस इंफॉर्मेशन के बेस पर कंपनी के स्टॉक को शेयर मार्केट में ऊंचा कर सकते हैं, नीचा कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। इस कारण से इनका दावा है कि 75% स्टॉक होल्ड करते हैं। इंडियन बर्ग ये भी कहता है कि अडानी ग्रुप के सब्सिडरीज के थ्रू अडानी ग्रुप के प्रमोटर 75% से स्टॉक ज़्यादा होल्ड करते हैं और अपने स्टॉक को आर्टिफिशियल पंप करके उनकी वैल्यू को, उनकी वैल्यू मार्केट में इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। इंडियन बर्ग ने यह भी कहा है कि अडानी ग्रुप ने अपने लॉस को इन सेल कंपनियों में ट्रांसफर किया और इनसे लोन भी लिया है जो कि अपने एनुअल रिपोर्ट में शो नहीं किया है। दूसरा बड़ा आरोप लगाया कि अडानी ग्रुप में के ऑडिट को लेकर है, जो कि अडानी ग्रुप के ऑडिट करते हैं, करने वाली फर्म है, संस्था है, जो कि जिसमें 11 एम्प्लॉय काम करते हैं, जो कि अपने मोस्टली 20s में है। और उनका ये भी कहना है कि ये जो एम्प्लॉयज़ हैं वो किसी भी बड़ी कंपनी में काम नहीं किए हैं और किसी भी बड़ी कंपनी के लिए ऑडिट का काम नहीं किए हैं। तो इंडियन बर्ग ने यह भी आरोप लगाया कि अडानी ग्रुप स्टॉक मैनिपुलेटर के साथ काम कर चुके हैं, जो स्टॉक को ऊपर नीचे करते हैं उनके साथ काम भी कर चुके हैं मैनिपुलेटर के साथ। और इन्होंने अपने टैक्स पेयर के पैसों पे फंड को इनअप्रोप्रिएट यूज़ किया है। तो सवाल ये आता है कि इंडियन बर्ग क्या है और ये क्या काम करती है। इंडियन बर्ग एक ऐसी रिसर्च फर्म है जो ऐसे बिजनेसों को बार बार अलग अलग रिपोर्ट तैयार करती है, लिखती है और उनको शॉर्ट सेलिंग करती है। शॉर्ट सेलिंग का मतलब होता है किसी कंपनी के शेयर को गिरेगा इस बात पर निर्भर करता है और बेट लगाई जाती है। शॉर्ट सेलिंग का मतलब होता है कंपनी का शेयर गिरेगा उसको मैनिपुलेट करके उससे जो शेयर गिरता है उस पर प्रभावित पड़ता है, जो इस बात पर बेट लगाई जाती है उससे जो प्रॉफिट आता है उसको शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। और ये क्या काम करता है समझ लेते हैं। एक कंपनी के जैसे एक शेयर 100 रुपये का है, ठीक है, अगर उसका आज 100 रुपये, कल अगर उसका शेयर गिर के 50 रुपये हो जाता है तो हमें 50 रुपये फ़ायदा हो गया, ठीक है। तो ऐसे काम करती है, इसी मॉडल पे काम करती है। और ये इनके शेयर कई करोड़ों में होते हैं तो इनसे जो शेयर गिरता है उतना इनको प्रॉफिट होता है। और अगर जैसे आज जैसे 100 रुपया है, कल अगर 150 रुपया हो जाएगा तो इनको अपने जेब से भरना पड़ेगा अगर शेयर नहीं गिरता है। तो इसी मॉडल पे काम करती है हिंडनबर्ग कंपनी। जो इंडियन बर्ग इसी मॉडल पे काम करती है, पहले कंपनी के शेयर को बोरो करती है और शेयर जब गिर जाता है तो इसको सेल कर देती है, तो जिससे उसका जितना शेयर गिरता है उससे उनको उतना प्रॉफिट होता है। इंडियन बर्ग ने 2020 में ऐसी 30 कंपनियों पर शॉर्ट सेलिंग किया है और उन कंपनीज का शेयर गिरा भी है और उससे इनको कई ज़्यादा गुना प्रॉफिट हुआ है। अडानी ग्रुप ने अपने रिपोर्ट में साफ किया, जो अडानी ग्रुप से इन्होंने वो एलिगेशन लगाया था उसका जवाब देते हुए अडानी ग्रुप ने साफ तौर पर इसको खारिज कर दिया। ये एक मिसलीडिंग है जो इनके शेयर होल्डर है उनको भ्रमित करने के लिए, उनको भटकाने के लिए ऐसे किया जा रहा है, जो एक
नकारात्मक सोच के साथ की जा रही है। और ये सिर्फ सिर्फ ये हिंडनबर्ग कंपनी अपनी निजी निजी स्वार्थ को साधने के लिए ऐसा कर रही है, का प्रयास कर रही है ताकि इनके शेयर गिरे और इनको प्रॉफिट हो जाए। हिंडनबर्ग के रिपोर्ट की वजह से अडानी को ग्रुप्स को बहुत ज़्यादा फर्क भी पड़ा, इनके स्टॉक गिरे भी हैं, इनके शेयर गिरे भी हैं, कई लाखों में गिरे हैं। तो उससे अडानी जो है, गौतम अडानी, वो वर्ल्ड के रिचेस्ट में तीसरे नंबर पे आते थे, वो अभी खसक कर सातवें पायदान पे आकर रिचेस्ट मैन के बिजनेसमैन के तौर पे सातवें नंबर पे आ गए। तो इससे सीधा तौर पर साबित होता है कि हिंडनबर्ग की जो साजिश थी वो उनके द्वारा फली फुली होती दिख रही है उनको। और इससे इनको एक देखा जाए तो ये भारत की एक अर्थव्यवस्था पर भी प्रहार है, क्योंकि अगर भारत की अर्थव्यवस्था भी बहुत ऊंची उठ रही है, दिख रही है, बहुत रफ्तार से आगे जा रही है, तो उसको प्रभावित करने का भी ये प्रयास किया गया है। अभी देखिए, ये यूके की संस्था है, 2017 में ये एस्टेब्लिश हुई है और ये ऐसे कई कंपनीज को बर्बाद भी कर चुकी है, मैनिपुलेट करके उनके शेयर होल्डर को मैनिपुलेट करके, ऐसा फेक एलिगेशन लगा के कई वो करके ये प्रॉफिट भी कमाई है कई गुना में, और कई कंपनीज को बर्बाद भी कर चुकी है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है आगे, इसमें जो भी अपडेट होता है बताएंगे। और यूके की अभी भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर जो 2000 दंगे की डॉक्यूमेंट्री बीबीसी के द्वारा शो की गई थी, वो भी एक कुंचित मानसिकता के साथ की गई थी, उसी में एक प्रयास लग रहा है हमें। तो अगर आगे कुछ अपडेट होता है तो कुछ साझा करेंगे हम आपके साथ, क्योंकि निरंतर अपडेट आते रहेगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।